हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शिमला के संजौली में उपजा विवाद अब हिमाचल के कई इलाकों में पहुंच चुका है। सरकार के शांति के प्रयास सफल होते नजर नहीं आ रहे। आज सिरमौर के पौंटा और शिमला के सुन्नी में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि विश्व हिंदू परिषद की 2 घंटे की कॉल के मद्देनजर कई जगह बाजार बंद रहे। हिमाचल प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर शांति बनाए रखने के साथ अवैध निर्माण पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही, वहीं अन्य मुद्दों पर भी कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है। देखिए, पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया और मुझे खुशी है कि उसमें भाजपा के माननीय नेता भी आए, सीपीआई, सीपीएम, सीपी जो और भी जितने इनके आम आदमी पार्टी है, सब लोग वहां पर आए और सबने एक मत में ये बात कही, सब दलों ने, कि हमें इस तरीके की चीज़ें हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं चाहिए। ये ज़रूर है, हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। मैंने पहले भी कई बार इस बात को मैं कह चुका हूँ, विधानसभा के सभा पटल में भी कह चुका हूँ कि हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं और जो भी अवैध है, जो भी अवैध भवन का निर्माण हुआ है, अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है या और किसी भवन का अवैध निर्माण हुआ है, उसको सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, मगर कानून के दायरे में रहकर करेगी। तो जहां जहां पर भी ये मसले आ रहे हैं, अभी संजौली का मसला आया है या मंडी में भी पिछले कल इसके बारे में चीज़ हुई है, वहां पर तो खुद उन्होंने जो है उसको डिमोलिश किया है और पीडब्ल्यूडी के लैंड के ऊपर वो बनाया गया था, उसका कुछ हिस्सा उसको डिमोलिश कर दिया गया है। वैसे ही जहाँ जहाँ पर भी ये है, इसको हमें कानून के दायरे पर रहकर इस पर कार्रवाई करेंगे, मगर मेरा ये सबसे विनम्र निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है। हिमाचल प्रदेश में हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी संवेदनाओं का सम्मान सरकार करती है, मगर हमें इन चीज़ों में ना पड़ते हुए, इसे केवल एक राजनीतिक दृष्टि से ना देखते हुए, इसे प्रशासनिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ सरकार की ओर से कि जहाँ पर भी कोई अवैध जो है भवन बने हैं या अवैध मस्जिद बने हैं या और चीज़ें बनी हैं, उनके ऊपर कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, हम अभी तो सर्वदलीय बैठक हुई है, आने वाले समय में जो हिंदू समाज के अलग अलग जो प्रतिनिधि है, जो इनके मेंबर्स है, उनके साथ भी बात करेंगे, वो भी हमारे साथी है, हमारे परिवार के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनकी कुछ भावनाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात करके, वार्तालाप करके हर चीज़ का हल जो है वो निकल जाता है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सबकी भावनाएं, हम उसकी कदर करते हैं। जब बड़े बड़े मसले जो है वो वार्तालाप से सुलझा लिए गए, तो ये निश्चित तौर से मुझे इसमें विश्वास है कि जब हम साथ बैठेंगे, हिंदू जो हमारे समाज के अलग अलग साथी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हर चीज़ का हल निकाला जाएगा। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस तरीके से कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे प्रदेश की शांति और प्रदेश में जो एक भाईचारा है, प्रदेश में जो एक आपसी प्यार है, उसमें कोई ठेस पहुंचे। हम आपके साथ बैठने को तैयार है, जब आप कहेंगे, जहां आप कहेंगे, मैं खुद आने को तैयार हूं। प्रदेश का नुमाइंदा होने के नाते मैं आपके साथ बैठूंगा और मुख्यमंत्री जी के साथ भी हम इस बात में चर्चा करेंगे और जो इसमें हल निकाला जा सकता है वो हम हल निकालने का पूरा प्रयास करेंगे।